छतरपुर में गुंडों और सटोरियों का ऐसा आतंक है कि जब एक डॉक्टर ने इनको गुंडा टैक्स नहीं दिया तो इन लोगों ने जेसीबी की मदद से डॉक्टर की बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। छतरपुर में रंगदारी टैक्स न देने पर एक आईपीएल सटोरिये ने एक बिल्डिंग को जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित डॉक्टर ने इस मामले में एसपी को आवेदन दिया जिस पर सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला देरी रोड पर डॉक्टर राजनारायण गुप्ता की बिल्डिंग का है। आरोपी के आईपीएल सटोरिया राहुल शुक्ला डॉक्टर के परिजनों से 5 लाख की रंगदारी मांग रहा था। जब उन्होंने ये रंगदारी नहीं दी तो आरोपी ने रात में जेसीबी की मदद से बिल्डिंग तोड़ने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों की आरोपी के साथ मिलीभगत है और इसी की आड़ में वो गुंडागर्दी करता है। थाना सिविल लाइन्स अंतर्गत एक बिल्डिंग को तोड़ने का मामला आया था जिसमें आरोपी के ऊपर विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था और बाद में उसमें बयान के आधार पे नॉन अवेलेबल जमानती धाराएं बढ़ाई गई हैं और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। अब विवाद जो है इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि पूर्व में कुछ बिजनेस में जो आरोपी है उसका कोई मित्र जो है वो शायद इनके साथ था और जो परिजन जो फरियादी ने बोला है उसका ये कहना है कि इनसे कुछ पैसे मांगे जा रहे थे इस कारण से। पुलिस दोनों ही एंगल पे, फरियादी जो कह रहा है वो और जो कुछ एक दो बातें सामने आई हैं, दोनों को ही सामने रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर कुल मिलाकर इसमें घटना घटित हुई है और उसके प्रकरण पंजीबद्ध। एक्चुअली हमारे साथ एक घटना हुई है, 20 तारीख से स्टार्ट हुआ ये मामला, जब मेरे भाई को गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई, रंगदारी मांगी गई 5 लाख रुपए की राहुल शुक्ला द्वारा, उसके अन्य साथी भी थे और जब हमने नहीं किया ये और जब मैं बाहर रहता हूँ एक्चुअली, तो मैं कॉन्फ्रेंस में था गाजियाबाद में, तब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको ऑनलाइन एक शिकायत दर्ज कराई सिविल लाइन थाने के लिए छतरपुर के लिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे उनके हौसले और बुलंद हो गए। उसके बाद उन्होंने हमारी 27 तारीख की रात में 27-28 की दरमियानी रात उन्होंने हमारी बिल्डिंग को बड़ी बड़ी मशीनें ला के और क्षतिग्रस्त कर दिया, पिलर तोड़ दिए। आप लोगों को शायद संज्ञान में होगा, आपने राहुल शुक्ला के द्वारा तोड़े गए हैं, राहुल पोकलैंड मशीन थी, कुछ ट्रॉला में मशीन भर के आई थी उससे उसने पिलर तोड़े हैं। और उसके बाद जब हमने 28 तारीख को मेरी माता जी आई और इन्होंने यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर मैं फिर आया 29 तारीख को तो पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा विवेचना चल रही है, मैंने कि पंचनामा बना नहीं है अभी तक। तो 2 दिन बाद फिर 1 मार्च को उन्होंने आके उन्होंने निरीक्षण किया, उसके पहले तक कोई निरीक्षण भी नहीं किया गया। आज कहाँ पर आए थे आप? आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास आए थे और उन्होंने पहले हमें आश्वासन दिया था, उनको पहले भी एप्लीकेशन दिया है हमने 1 तारीख को, लेकिन जब कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो फिर हमने आज फिर से हमारे समाज ने आके यहाँ पर फिर से एक ज्ञापन सौंपा है पुलिस अधीक्षक महोदय जी को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।